From this video, I'm starting sorting techniques, and the first and foremost sorting technique I'm going to take is bubble sort. So in bubble sort, the two adjacent elements of a list or an array are checked and then they are swapped. If the adjacent element are in incorrect order, then the process keeps on repeating until we get a sorted list. For example, we have been given this list. So we have to sort this. How we can sort this? Sorting का मतलब क्या होता है कि या आप इसको ascending order में हम arrange करें या फिर इसको descending order में हम arrange करें. ठीक है, तो अभी रेक्टा मैं ascending order का बता रहा हूँ. जैसे हम इसको ascending में अगर हम arrange करेंगे तो क्या बनने वाला है, ये 1, 3, 4, 5 और 8. ठीक है, तो bubble sort में क्या होता है कि हम adjacent elements को check करते हैं और फिर उनको स्वैप करते हैं. ठीक है, देखते हैं एक एक करके कैसे होता है ये बबल सॉर्ट. हमने यहाँ से स्टार्ट करा मेरे टॉपिक. अब सबसे पहले सपोज वी हैव बीन गिवन दिस एरे, नाउ वी हैव टू सॉर्ट दिस एरे, टू दिस वी नीड दिस आंसर. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कंपेयर फर्स्ट टू एलिमेंट्स. इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, देन आई विल स्वैप दिस एलिमेंट. हियर द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, I will swap these elements. What it will becomes now? 3, 4, 8, 5, 1. अभी इन दोनों को चेक किया था. Now we'll move further. इन दोनों को हम चेक करेंगे. इन दोनों को यानी कि अब अरे ये बन गया तो हम इन दोनों को चेक करेंगे. ठीक है, इन दोनों में क्या फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से ग्रेटर देन है, यानी कि क्या ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन नहीं है तो ये स्वैप नहीं होगा. यानी कि 3, 4, 8, 5, 1. ठीक है, ये अभी भी ऐसा ही रहेगा. ठीक है, अब इन दोनों को चेक कर लिया. अब नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे बबल सॉर्ट में. टू एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं, हर एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करते हैं. अगर फर्स्ट वाला ग्रेटर देन है सेकंड वाले के तो हम उसको स्वैप कर देंगे, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे. शुरुआत में मैंने इन दोनों को चेक किया, ये ग्रेटर देन है इससे, तो मैंने इन दोनों को स्वैप किया तो 3 और 4 आ गया. फिर इन दोनों को चेक किया, इन दोनों को मतलब ये अपडेटेड जो अरे आया उनमें चेक किया, तो यहाँ पे देखोगे कि 4 ग्रेटर देन नहीं है 8 से, तो मैंने स्वैप नहीं किया. अब मैं इन दोनों को चेक कर रहा हूँ कि क्या 8 ग्रेटर देन है 5 से. हाँ, 8 इज ग्रेटर देन 5, देन वी विल स्वैप दिस एलिमेंट, इट बिकम्स लाइक दिस. ठीक है, इन दोनों कर लिया. अब लास्ट में इन दोनों को हम करने वाले हैं चेक. तो 8 इज ग्रेटर देन 1, सो नाउ वी विल गेट आवर फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड फ्रॉम द लास्ट. बबल सॉर्ट का नाम बबल सॉर्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें बबल्स की फॉर्म में हम लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट में भेजते हैं. ठीक है, अगर ये तुम अरे को देखो तो तुम देखो कि एक बार हमने इस प्रोसेस को करा, दो दो एलिमेंट एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमने चेक किया, तो हमारे पास लास्ट में लास्ट एलिमेंट सॉर्टेड आ गया, यानी कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट लास्ट में पहुंच गया. लार्जेस्ट एलिमेंट बबल बन के ऊपर आ गया, बबल ऊपर आता है तो लार्जेस्ट एलिमेंट बबल बन के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब ये प्रोसेस कितनी बार करी, अभी एक बार करी. अब इस प्रोसेस को तुमको जब तक करना है जब तक सारे एलिमेंट सॉर्टेड ना हो जाए. ठीक है, अभी पहला आ गया, अब यहाँ पे हमें सेकंड लार्जेस्ट लाना है, तो फिर वही प्रोसेस करनी पड़ेगी. अभी क्या है हमारे पास, 3, 4, 5, 1 और 8 है. ठीक, वापस इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये 3 इज़ नॉट ग्रेटर, यहाँ पे भी कंडीशन फेल हो रही है, तो ये दोनों स्वैप नहीं होंगे. ठीक है, वापस इन दोनों को चेक करेंगे, क्या 4 ग्रेटर देन 5 है, नहीं है, तो ये भी स्वैप नहीं हो रहे. यहाँ पे चेक करेंगे 5 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ये आया था, सेकेंड टाइम हमारे पास क्या आने वाला है, 5 लास्ट में जाएगा, यानी कि 3, 4, 1, 5 एंड 8. ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, सेकेंड टाइम जब हमने पूरा इटरेशन किया, पूरा हमने लूप चलाया, तो हमको क्या मिल रहे हैं, 2 एलिमेंट सॉर्ट मिल रहे हैं. ठीक है, पहले हमें 1 एलिमेंट सॉर्टेड मिला, थर्ड टाइम जब हम चलाएंगे तो हमें 3 एलिमेंट सॉर्टेड मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पे फिर से हम दोनों को चेक करेंगे, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4 इज ग्रेटर देन 1, तो 4 को यहाँ पे लाना है. ठीक है, मैं लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ये पूरा परफॉर्म करना है, उसके बाद जो लास्ट स्टेप्स आएंगी, पहली बार में ये आई, ठीक है, सेकंड बार में ये वाली लास्ट स्टेप आने वाली है, थर्ड बार में 4 यहाँ पे आ जाने हैं, 3, 1, 4, 5, 8. ठीक है, थर्ड टाइम अगर हम करेंगे तो हमें 3 एलिमेंट सॉर्ट मिल जाएंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएंगे. पीछे वापस से इन दोनों को चेक करा, तो यहाँ पे हमें पूरी जो हमारा पूरा जो अरे था, पूरी जो लिस्ट थी, हमें सॉर्टेड ऑर्डर में आके मिल गई. ठीक है,
तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स को. इफ फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट देन वी विल स्वैप, इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन वी विल मूव फर्दर. ठीक है, अंटिल एंड अनलेस वी विल गेट अवर सॉर्टेड अरे वी विल कंसिडर दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन. वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन अंटिल वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ वी विल सी द कोडिंग पार्ट, हाउ टू कोड दिस. सो ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना, अपने को बार बार एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है और हमें ये आउटपुट हर बार हमें चाहिए. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चार बार हमें पूरा एडजेसेंट एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, यानी कि एंड टाइम्स हमें लूप चलाना पड़ रहा है चार बार. तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक फोर लूप लगा रहा हूँ. ठीक है, स्टेप्स कितनी है हम ये देखें, चार स्टेप में सॉर्टेड आ रहा है. क्यों आ रहा है, क्योंकि सबसे पहली बार फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में चला जाता है, सेकेंड स्टेप में सेकेंड लार्जेस्ट चला जाता है. तो अगर ये फाइव एलिमेंट्स है तो चार बार में चारों लार्जेस्ट इधर आ जाएंगे, तो मिनिमम हमें यही मिलेगा. ठीक है, तो हमें चार बार इसको करना पड़ेगा. तो मैं स्टेप ले लेता हूँ, स्टेप का लूप लगाया था, स्टेप जीरो से स्टेप शुड बी लेस देन एन माइनस वन, स्टेप इंक्रीज. ठीक है, ये स्टेप्स का हमने लूप लगा दिया. अब एक बार फर्स्ट आउटपुट लाने के लिए, यानी कि फर्स्ट बार हमें लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना था, शुरू से हम कंपेयर करते जा रहे थे. अगर वो एलिमेंट्स इनकरेक्ट ऑर्डर में है तो हमें स्वैप कर रहे थे, अगर करेक्ट ऑर्डर में हम उसको स्वैप नहीं कर रहे थे. हम यहाँ पे देखते हैं, वापस हम एक लूप लगाते हैं अंदर फॉर. ठीक है, आई इक्वल्स टू जीरो से आई लेस देन, फिर हमें एन माइनस वन तक जाना है, क्योंकि हमें आगे वाले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. तो अगर मैं एन माइनस वन यहाँ तक चला जाऊँगा तो आगे वाले एलिमेंट है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी. इसलिए हम एन माइनस वन से लेस देन जा रहे हैं, एन माइनस वन से लेस देन तक जा रहे हैं. अब तो इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व करोगी, फर्स्ट टाइम अगर हम गए थे तो हम यहाँ तक जा रहे थे, यानी कि एन माइनस वन से लेस देन, यानी कि एन माइनस टू तक जा रहे थे. सेकेंड टाइम हमें यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ तक ही जाएंगे, यानी कि एन माइनस थ्री तक जाएंगे, फिर अगली बार यहाँ तक जाएंगे. तो ये इधर आता जा रहा है, यानी कि एन माइनस वन माइनस स्टेप्स कितने परफॉर्म हो गए हैं. अगर हम वो इसमें माइनस कर दें तो हमें फालतू जो सॉर्टेड है उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सॉर्टेड ही रहेगा. ठीक है, यहाँ मैं आई इंक्रीमेंट कर दिया. अब क्या करेंगे, मैंने एक सिंपल सी कंडीशन बताई कि इफ, ठीक है, अरे का नाम सपोज ए आर है, अरे या लिस्ट जो भी है ये, है ना, ए आर ऑफ आई, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ आई प्लस वन, ए आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ आई प्लस वन, then we will swap what ar of i and ar of i plus 1. ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, ये वाला लूप यहाँ पर क्लोज हो गया, आउटर लूप यहाँ पर क्लोज हो गया. तो फर्स्ट लूप हमें स्टेप्स बता रहे हैं कि हमें कितने स्टेप्स परफॉर्म करनी, सेकेंड लूप हमें क्या बता रहे हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम हमेशा कंपेयर करते जाएंगे. देखो इन दोनों को रन करके देखते हैं, AR of i is greater than AR of i plus 1, 4 is greater than 3, then we will swap them. 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा. ठीक, 3 आ गया, 4 यहाँ आ गया. आगे चेक करेंगे, 4 यहाँ पे था, 8 यहाँ पे था, तो 4 और 8 को कंपेयर करेंगे. अगर पहला एलिमेंट ग्रेटर आ रहा है तो स्वैप करता जाएगा, लास्ट में जाके हमें फर्स्ट स्टेप मिल जाएगी, स्टेप इक्वल्स टू 0 पे हमें पहली स्टेप मिल जाएगी. ठीक है, फिर ये लूप कितनी बार चलने वाला है, n माइनस 1 से लेस देन, यानी कि ये लूप चलने वाला है 4 बार. चार बार चलेगा तो हमें लास्ट में हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हो गई बबल सॉर्ट. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले की तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही है, बेस्ट केस भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है. मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, इसकी वर्स्ट केस भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है. ठीक है, एवरेज केस भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि हमें सारे स्टेप्स में हमें पूरा अरे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जाएगी. लेकिन बबल सॉर्ट में हम बेस्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में जा रही है, हम उसको कम कर सकते हैं. कैसे कम कर सकते हैं, सपोज हमें एक बार हम लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट में ले गए और हमारा अरे सॉर्टेड मिल गया. फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पर अपन ले लेते हैं, अपन सिर्फ एक लार्जेस्ट एलिमेंट को मैं कहीं यहाँ रख देता हूँ. ठीक है, सपोज ये हमारा अरे ने रखा है. ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं
मैंने क्या बताया, बबल के फॉर्म में ग्रेटर एलिमेंट लास्ट में चला जाता है। तो इसमें बबल के फॉर्म में कौन सा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है? एट है। ये एट स्वैप होते 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 लास्ट में आ जाएगा, यानी कि ये अरे बन जाएगा 1, 2, 3, 4 और 8। ठीक है, ये तो स्टेप वन हो गई। लेकिन हमने जो लूप चलाया है इसमें हमने क्या डाला है, हमें कितने स्टेप्स फॉलो करनी है, जितना इसकी साइज है, यानी कि 5-1, 4 स्टेप्स फॉलो होगी। लेकिन तुम देखोगे क्या, एक ही स्टेप में हमको सॉर्टेड ऑर्डर में आके मिल गया। तो अगर हम सेकेंड बार हम इसको लूप को चलाएंगे तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट स्वैप नहीं होने वाला है, क्योंकि हम चेक करेंगे कि 1 > 2 है, नहीं है, 2 > 3 नहीं है, 3 > 4 नहीं है, तो यहाँ पे एक भी स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए ये हमें फर्स्ट स्टेप में मिल रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे हमारा लूप ब्रेक हो जाए। तो इस लूप को यहीं पे कैसे ब्रेक करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे ना दोनों लूप के बीच में एक फ्लैग वेरिएबल बना लेते हैं। फ्लैग को मैं शुरुआत में 0 रख देता हूँ। अगर हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो मैं फ्लैग को 1 कर दूँ, अदरवाइज मेरा फ्लैग 0 ही रहेगा। तो ये जब लूप पूरा हो जाएगा, यानी कि ये स्टेप पूरी परफॉर्म हो जाएगी, सेकेंड बार ये स्टेप परफॉर्म होगी तो भी हमें यही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सेकेंड बार में यही मिलेगा और फ्लैग 0 है। अगर स्वैप होता तो फ्लैग की वैल्यू 1 होती, लेकिन यहाँ पर कोई स्वैप हुआ ही नहीं तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इस लूप के बाद में सिर्फ हमें कंडीशन डाल दें, अगर अपन इफ फ्लैग इक्वल 0, यानी कि फ्लैग चेंज नहीं हुआ, अगर स्वैप नहीं हुआ तो हम आउटर लूप भी ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये मैंने आउटर लूप भी ब्रेक कर दिया। इस तरीके से तुम बबल सॉर्ट की बेस्ट केस 10 कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हो, यानी कि अगर एक ही एलिमेंट है लार्जेस्ट तो वो एक बार में हो जाएगा, यानी कि n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ, बेस्ट केस इसकी हो जाती है ऑर्डर ऑफ n, वर्स्ट केस इसकी भी n स्क्वायर रहेगी, एवरेज केस भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बबल सॉर्ट। अब इसको एक बार लैपटॉप में भी करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट द कोड, है ना। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम अभी अपन ने पढ़ा, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का कोड अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपन को इनपुट दे रखा है, इसको आउटपुट हमें निकालना है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का आउटपुट कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट मेन बना रखा है, इसमें मैंने एन साइज का मैं अरे इनपुट में ले रहा हूँ, जिसको मैं सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो एन पहले मैं साइज दूंगा उसकी, उसके बाद में मैं उसके एलिमेंट्स इनपुट में लूंगा। यानी कि इधर इनपुट की बात करें तो हम यहाँ 5 अगर मैं लिख रहा हूँ, 5 एलिमेंट का अरे मैं इनपुट में दे रहा हूँ, यानी कि मैंने ले दिया 5, 3, 8, 5, 1। ठीक है, सॉरी 4, 3, 8, 5, 1, है ना। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में आके प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अब इसका अपन कोड लिखते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट में पूछा था, बबल के फॉर्म में उड़ के निकल जाता है लास्ट में वो। तो यहाँ पे मैंने मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर इंट, ठीक है, स्टेप, ये स्टेप बताएगा कितने स्टेप्स लगेंगी। तो स्टेप इक्वल्स टू 0 से, है ना, कहाँ तक जाएंगे, स्टेप लेस देन एन माइनस 1, है ना, साइज माइनस 1 तक जा रहा हूँ मैं, और स्टेप में इंक्रीमेंट करते चले जाओ। ठीक है, अब अंदर जो लूप लगेगा वो क्या लगेगा, वो भी एक फॉर लूप लगने वाला, कहाँ से कहाँ तक, आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन माइनस 1 माइनस स्टेप। ठीक है, तुमको याद हो तो माइनस स्टेप करना पड़ा था, क्योंकि लास्ट वाला सॉर्टेड हो गया तो हम वहाँ तक जाएँ क्यों, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना, है ना, आई प्लस प्लस करा। इसके अंदर सिर्फ एक इफ कंडीशन लगने वाली थी, क्या कंडीशन थी वो, कि अगर अरे ऑफ आई ग्रेटर देन है अरे ऑफ आई प्लस 1 के, तो मैं क्या कर दूँ, स्वैप कर दूँ अरे ऑफ आई को और अरे ऑफ आई प्लस 1 को। ठीक, तो ये हमारी एल्गोरिदम थी बबल सॉर्ट की, मैंने पूरी लिख दी एल्गोरिदम। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस क्या करा दो, सी आउट अरे ऑफ आई। ठीक है, ये अपना कोड हो गया, ये आउटर लूप, स्टेप्स कितने लगने वाली है और ये कहाँ से कहाँ तक जाके हम जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हम लास्ट में भेजते हैं, बबल के फॉर्म में लास्ट में जाता जाता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कोड कर लिया है, है ना। एक बार अपन ब्रैकेट्स चेक कर लेते हैं, सही है। ठीक है, इसको अपन रन करके देख लेते हैं, आ गया सॉर्टेड ऑर्डर में 1, 3, 4, 5, 8। ठीक है, ये तो क्या था, बबल सॉर्ट का था कि अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जमाना है तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। सपोज अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट सबसे पहले चाहिए, कुछ नहीं करना है, जब ये जो है ना इफ कंडीशन, इसके अंदर ये साइन को चेंज कर दे। देखो रन करते हैं, इसमें क्या होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना वो सबसे लास्ट में जाता जाएगा बबल की फॉर्म में,
ठीक है, तो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम एकदम क्लियर हो गई होगी। इसको याद कैसे रखना है कि बबल बनते हैं इसमें, यानी कि बबल के फॉर्म, बबल कैसे पानी के अंदर नीचे अगर एक बबल छोड़ूं मैं तो कैसे ऊपर तक आ जाता है, ऐसे बबल के फॉर्म में लास्ट तक वैल्यूज पहुंचती जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एल्गोरिदम जिसका वर्स्ट केस ऑफ एन स्क्वायर जाता है, बेस्ट केस भी ऑफ एन स्क्वायर जाता है। लेकिन अगर इसको बेस्ट केस ऑफ एन में हमें करना है, यानी कि अगर एक बार हमें यहाँ पे सॉर्टेड मिल गया, ठीक है, तो हम वापस ये स्टेप्स आगे नहीं बढ़ाएं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था तुमको, यहाँ पे तुम एक ले लो फ्लैग, है ना, यहाँ पे एक फ्लैग टैग वेरिएबल ले लो, ठीक है, यहाँ पे तुम उस फ्लैग वेरिएबल को जीरो कर दो, है ना। और जब भी तुम स्वैप कर रहे हो ना, जब भी तुम स्वैप कर रहे हो, ये मैंने स्वैप किया तो मैं यहाँ पे फ्लैग को वन कर दूँ, क्या कर दूँ, वन कर दूँ। ठीक है, तो ये लूप खत्म होने के बाद में हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा फ्लैग वापस जीरो ही रहा, मतलब जो जीरो था वो, अगर वो जीरो ही है अभी भी, कोई स्वैप नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर दूंगा तो हमारा जो टाइम है बच जाएगा, एक बार में सॉर्ट हो गया, यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट को मैंने लास्ट में पहुंचाया और हमारा अरे सॉर्टेड आ गया, तो फिर फालतू में काहे को इतना बार बार उसको ट्रेवर्स करना और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना। ठीक है, इसलिए मैंने इफ करा फ्लैग वैल्यू अगर जीरो हो रहा है तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको भी अपन रन करके देख लेते हैं। देखो ये भी हो गया है ना, ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर का बताया तुमको, सिर्फ एक साइन चेंज करना रहता है। ठीक है, ये आ गया 1 3 4 5 8। ये केस का क्या था, कब लगेगा ये केस, यानी कि सपोज करो तुम यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब तुमको सिर्फ 8 को लास्ट में पहुँचाना है और तुम्हारा काम हो जाना है ना। 8 को एक बार लास्ट पहुँच गया, 8 तो सर तुम्हारा काम हो गया, तो फालतू में बार बार नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बच जाती है। अभी तो यहाँ पे दिखेगा नहीं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बच गई, लेकिन बच जाती है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।